तो वेलकम टू दीपक के ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा पीछे, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो मैं हूँ यहाँ कैरियर कॉलेज में, यहाँ पे भव्य मेला लगा है, तो आपको घुमाता हूँ ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो चलो हमारे साथ चलो। तो दोस्तों ये लगा हुआ है मेला, आप देख सकते हो एकदम लाइटिंग साइटिंग, और ये इधर कैरियर कॉलेज, तो आपको घुमाता हूँ, बने रहें। मेला लगा हुआ है आप देख सकते हो, इसके 3 शो चलते हैं, जैसे 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। ये भाई हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते हुए, जैसे कि आप हो बस दिल थाम के बैठो, आपको दिखाता हूँ। वह एक नज़ारा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये यहाँ दिख रहा है, ये गेट नंबर 1। और ये देखो यहाँ हमारे रानी कमलापति जी का प्रतिमा बनी हुई है, फोटोज़ लगी है इस तरह से है, यानी भोजपाल महोत्सव है ना, इस तरह लगा हुआ है। तो आपको अंदर का नज़ारा हो रहा है, इंटर हो चुके हैं, आप देख सकते हो झूला वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी ज़्यादा पब्लिक आई नहीं है, मैं आ चुका हूँ इधर। ये भाइयों काफ़ी चमक धमक है, आप देख सकते हो, ये एकदम लगा हुआ है इधर, डोल वोल है, सारी चीज़ें। हर कलर हर डिजाइन के नए नए खिलौने, 150 रुपए के 2 खिलौने, दोनों के खिलौने। सारे झूले लगे हुए हैं दोस्तों बच्चों के लिए, एकदम मस्त मस्त ये हुआ है। ये नज़ारे हैं मेले के, तो सारा भव्य नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। एक झूला ये है, और दिखाते हैं आपको, काफ़ी सारे यहाँ लगे हुए हैं, बने रहे हमारे पास। इधर देखो दोस्तों भूत बंगला भी है यहाँ, फल की दुकान दोस्तों देख रहे हो, ये देख रहे हो। मौत का कुआ देख रहा हूँ, यहाँ पे शायद 70 रुपये टिकट है, यहाँ पे टिकट वगैरह कम है। तो ये मौत का कुआ बना हुआ है यहाँ, और जस्ट इसी के साइड में तो कोई ये खतरनाक झूला लगा हुआ है, ये देख रहा हूँ एकदम कतई चहर। तो ये है बच्चों के लिए मिनी हेलीकॉप्टर्स वगैरह, झूले वगैरह, और ये दोस्तों जैसे इस टाइप से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, तभी क्या जैसे मेला में ज़्यादा रस नहीं है ना, तो काफ़ी पब्लिक आई नहीं है, बाकी ये चल रहा है, देख सकते हो इधर से माहौल बना हुआ है। अरे अरे बस करो, इतना गौर से मत देखो यार, झूले में बैठोगे क्या? मेला में हर चीज़ आपको मिलेगा, देखो फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें हैं, इस तरह से लगा हुआ है, रस ज़्यादा नहीं है मेला में, भीड़ नहीं है ना, जिसे भीड़ में घूमने का शौक़ नहीं है तो वो आ सकता है अभी बढ़िया घूमने के। तो देख रहे हो दोस्तों माहौल बना हुआ है। अब यार ये स्टेज का जो शो तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इतना देर रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि यार मुझे घर भी जाना है, नाइट बहुत हो गया, तो आपको खुद आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तो आ जाइएगा। चलो चलते हैं आगे घूमते हैं दोस्तों। इसमें ये इस तरह से लगा हुआ है फ़ोटो सेल्फी पॉइंट के सकते के हिसाब से, इस टाइप से अंदर बना, तो आप आ सकते हो, तो यहाँ बढ़िया इसके ऊपर चढ़ के यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ये लगा हुआ इस तरीके से, आप तो कितना नज़ारा मनमोहक है, दृश्य अच्छा लग रहा होगा आपको, देख रहा हूँ। तो दोस्तों मेला में ये तो यूनिक सा आइटम मिला पैरासूट का,
बच्चों के लिए। तो दोस्तों महल का माहौल जैसे कि आपको दिखाया इस प्रकार से एकदम लगा हुआ घमासान, जिससे ज़्यादा रस में घूमने का यानी शौक़ तो वो अभी आ सकता है, मेले में घूम सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कहीं कहीं झूले के रेट थोड़े अभी कम भी है, तो ये मौका अच्छा है कि आप आएँ और झूले का लाभ उठाएँ, है ना, क्योंकि जब मेला ज़्यादा ज़ोरों शोरों से लग जाएगा तो रेट भी बढ़ जाएंगे। अभी घूम चुके हैं, अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं। जो था ये था, अभी स्टार्टअप है, नया चालू है ना, काफ़ी समय है, मगर लोग बाग अभी धीरे धीरे आएंगे। 25-26 के बाद से लोग आना स्टार्ट होगा मेरे ख्याल। तो दोस्तों ये मेला 15 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और ये अब चलेगा 29 दिसंबर तक। तो आप आएँ जल्दी से जल्दी और आनंद लें मेला। फाइनली हमारा आज भोजपाल मेला का जो सफ़र यहीं तक की था, जैसे कि आपने देखा तो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा क्या लगा। तो अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं और हमारे ब्लॉग को ये समाप्त करते हैं। आप यहाँ तक बने रहे इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।